राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहे बारिश का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में दिखने लगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार। इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। बोटें जो हैं ये घर के पास में आ गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। गुरुवार से ही बाढ़ के पानी में कमी देखने को मिल रही है। गंगा खतरे के निशान से काफ़ी नीचे बह रही है और यह न सिर्फ घाट किनारे रह रहे लोगों के लिए बल्कि पूरे बनारस के लिए राहत की बात है। हालांकि अभी घाट किनारे कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, लेकिन कई जगह पूरी तरह से जलमुक्त हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ बाढ़ के क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो कहाँ से? भैया, हम बनारस से हैं। क्या नाम है? भैया, हम आनंद कुमार सरोज बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पानी किस तरह बढ़ रहा है, मतलब कल का माहौल कैसा था, आज का माहौल में कुछ बदलाव? भैया, यहाँ का माहौल जौन बा बहुत बढ़िया बा। गंगा का जो जल स्तर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। बाकी जो 100 यात्री आ रहे हैं इस मणिकर्णिका घाट पर इस समय, उनको थोड़ा सा चिता जलाने में बाकी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं थोड़ा है। तो प्रशासन उसमें जुटी हुई है, वो जो अपने हिसाब से व्यवस्था है वो कर रही है। तो इसमें पुलिस के क्या निर्देश है, पुलिस द्वारा कोई निर्देश दिया गया है? पुलिस का निर्देश है कि इस समय जो है, आप बाहर जाके देखेंगे जो गली, मेन गली जो मणिकर्णिका घाट मंदिर तक जाती है, वहाँ पर कालेश्वर मंदिर के पास ही इस समय नया से व्यवस्था किया गया है। अब नाव से जो है लकड़ी और शव को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, उसके बाद जो है चिता ऊपर जलाई जा रही है, जबकि बाकी जो नीचे चिता जलाने की जगहें थी वो सब बंद हो चुकी हैं। तो इसके लिए जो है थोड़ा परेशानी चल रही है। तो प्रशासन द्वारा जो लाशों को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है जलाने तक स्थान तक, तो प्रशासन द्वारा भी कुछ काम किया जा रहा है कि? प्रशासन बहुत चौकन्ना है, प्रशासन एकदम चौकस व्यवस्था की है। अभी सुबह में निरीक्षण किया गया है, जो भी सवयात्री हैं उनको परेशानी न हो गाइडलाइन जारी। सुबह कौन आया था निरीक्षण? सुबह यहाँ पर जो है यहाँ के SSP सर आए थे, यहाँ के जो चौकी प्रभारी और बाकी जो भी व्यवस्थाएँ हैं सभी लोग आए हुए थे, अपने प्रशासन स्तर पर देख रहे हैं वो लोग जी। भैया, आप ये बताइए, यहाँ पर जैसे लकड़ी वकड़ी बिकती है, आप करते हैं? भैया, यहाँ का जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छा है। पहले आपका नाम? मैं राजेंद्र कुमार पटेल काशी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लकड़ी की व्यवस्था है, लाशों को जलाया जा रहा है दूर दूर से लाके, तो लकड़ी के इस पानी में लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से हो जाए? ये लकड़ी की व्यवस्था और यहीं से उपलब्ध हो पा रही है और काफ़ी लोग यहाँ लगे हुए हैं जो इस कार्य को देख रहे हैं, सब व्यवस्थाएँ तेज़ी से उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी। तो जलस्तर बढ़ रहा है, इससे धंधे पे कुछ प्रभाव पड़ा है? धंधे पे तो जलस्तर बढ़ने से काफ़ी लोग परेशान हैं, जो कि स्थान अपना अदली बदली हो रहा है तो उनका धंधा प्रभावित हो रहा है, इससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से। तो इलाहाबाद से आप यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ घाट एकदम बढ़िया है। कॉरिडोर जो बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ जो पानी का जलस्तर है बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इलाहाबाद में इससे ज़्यादा पानी है या फिर इससे कम कुछ? इलाहाबाद में इससे ज़्यादा पानी है। शहर में गंगा नदी के अलावा वरुणा नदी भी अपने उफान पर थी, जिसमें अब तेज़ी से कमी देखने को मिल रही है। आइए हमारे सहयोगी पूजा यदुवंशी से जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। भले ही काशी में मेघराज की दया दृष्टि ना हो, लेकिन गंगा का जलस्तर अपनी उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया है। हालांकि गंगा में आई बाढ़ के कारण जनजीवन बेहाल है। वरुणा के निचले क्षेत्र में बने घरों में पानी घुस गया है, जिससे यहाँ के लोगों ने राहत शिविरों जैसे सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब गंगा नदी का पानी तेजी से घटाव की ओर है, जिसके कारण वरुणा नदी का भी पानी घट रहा है। बाढ़ आने के कारण भी यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब पानी घट रहा है, ये भी उनके लिए एक आफत बनकर उभरा है, क्योंकि नदी का पानी अपने साथ कई तरह की गंदगियां, मलबा लेकर आती है, जो पानी के बहने के साथ ही वो इकट्ठा होना शुरू कर देती है। मलबे और अवसाद के सड़ने के कारण कई तरह की बीमारियां पनपती हैं, जिसमें डेंगू और डायरिया प्रमुख है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का पानी तेजी से घट रहा है, जिसके कारण जितने भी कचरे और गंदगियां हैं उनको साफ करने के लिए किसी भी तरह की प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।